हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमें आज एपी में 9.2 के आगे ही क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बच्चों लगभग लगभग मैंने आपको इसमें, जहां तक मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 9.2 में, 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था, फर्स्ट करा दिया था, सेकंड भी करा दिया था, थर्ड नहीं कराया, फोर्थ, फोर्थ कराते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कराते हैं? फोर्थ कराते हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी -6, यानी एक एपी दी गई है बच्चों आपको, -6, -11/2, -5। अब कह रहा बताइए कि ये टर्म का सम, इस टर्म का सम कहां पर, इस टर्म का सम यानी अगर इस एपी को ऐसे लिखा जाए, प्लस -11/2, प्लस -5, प्लस डॉट 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 -25। तो कह रहा बताइए कि इसका सम -25 कौन से टर्म पर आएगा। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। -6, -11/2 और माइनस कितना भाई, 5। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? -6। इट मीन्स ए। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी यानी डी, डी कैसे निकलता है बच्चों? A2 - A1। A2 कितना है? -11/2। माइनस A1 कितना है? माइनस का 6। माइनस माइनस प्लस का 6/1। 1 को इससे 11, 2 को इससे 12, 2 को नीचे 12, 1/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2। अब डी आ चुका है, ए आ चुका है, नाउ सम हमें पहले से दे रखा है, यानी एस एन हमें पहले से दे रखा 25। इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1d। n हमें पता नहीं, 2, a की वैल्यू -6, n हमें पता नहीं, d की वैल्यू 1/2। देखिए, n/2 -12 प्लस, हाँ जी, n/2 -1/2 बराबर -25। 2 बच्चों यहां पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? n, हाँ जी, n और ये -12 -1/2, तो कितना बन जाएगा? -12 -1/2 और ये प्लस का n/2 और बराबर -25 × 2। हाँ जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो सॉल्व करो। हाँ जी, इसको करो जरा, -24 -1 और अपॉन में 2 प्लस n/2। -25 से करेंगे तो कितना जाएगा? 50। n -25/2 प्लस n/2 बराबर -50। हाँ जी, n भाई नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा, -50 बाई 2। यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, n -25 प्लस n और ये इंटू में 2। ये आ गया कितना अंदर? -25n प्लस n² - 100। उठा के इधर ले आओ, n² - 25n, -100 इधर आके +100, फैक्टर बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बनाओ भाई, 100 का क्या बनेगा? 20 × 5 = 100 बन गया भाई, यानी 20n - 5n ये बनेगा +100। n कॉमन लोगे n - 20, -5 कॉमन लोगे n - 20 बराबर 0, n - 20 n - 5 बराबर 0, n - 20 को 0 के बराबर, n - 5 को 0 के बराबर, -20 इधर आके प्लस, -5 इधर आके प्लस। तो भाई n कितना आ गया आपका? 5, और n आपका कितना आ गया? 20। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये n की वैल्यू निकालनी थी, जो कि वैल्यू आई आपकी 20 और कितनी आई? 5। ठीक है, चलिए करिए शुरू। अब चेक करना कौन से टर्म पर आ जाएगी। तो भाई अगर मैं इसको हाफ हाफ आगे बढ़ाता रहूं तो क्या इसका सम
हो जाएगा, और अगर 20 तक बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा, तो ये चेक करना है आपको और वहां पे बताना है कि n इतने पर 25 टर्म आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। चलिए हाँ जी, अब करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 6 नहीं 5। हाँ जी, कह रहा है कि इफ द एपी, कह रहा है इन एन एपी इफ पीएथ टर्म, इन एन एपी एक एपी में पीएथ टर्म 1/Q है और क्यूएथ टर्म 1/P है, तो प्रूफ कीजिए कि फर्स्ट पी क्यू टर्म का जो सम है वो 1/2PQ+1 है। तो ठीक है जी, अब देखो बच्चों क्वेश्चन एपी का है, क्वेश्चन एपी का है, लेकिन एपी के अंदर, इस एपी के अंदर क्या आपको फर्स्ट टर्म दी है? जी नहीं दी। इस एपी के अंदर क्या आपको कॉमन डिफरेंस दिया है? जी नहीं दिया। तो जब आपको एपी के अंदर फर्स्ट टर्म नहीं दी और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया, तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। कैसे लेट कीजिए भाई, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो कितना आ गया ए, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो कितना आ गया भाई डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बोले वो करो। क्या करना है बच्चों? हाँ जी, क्वेश्चन ने बोला है कि पीएथ टर्म 1/P के बराबर है और क्यूएथ टर्म 1/Q के बराबर है। ठीक है, पीएथ टर्म किसके बराबर है? 1/Q के, और पीएथ टर्म का मतलब होता है ए पी, जैसे एनएथ टर्म का मतलब एन, उस तरह क्यूएथ टर्म का मतलब, पीएथ टर्म का मतलब ए पी। हाँ जी, ओपन कीजिए जरा इसको, एपी को, ए प्लस पी माइनस 1D बराबर 1/Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्यूएथ टर्म, हाँ जी क्यूएथ टर्म क्या है? 1/P, तो क्यूएथ टर्म का मतलब ए क्यू बराबर 1/P, तो ए क्यू क्या बच्चों? ए प्लस क्यू माइनस 1D बराबर 1/P, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस पी माइनस 1D बराबर 1/Q, ए प्लस क्यू माइनस 1D बराबर 1/P। ठीक है जी, माइनस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जब दोनों सेम है तो सेम करो, नहीं अगर सेम है तो अच्छी बात, सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि ये दोनों क्या है, सेम है, और सेम है तो बस साइन चेंज करो और कैंसिल करो, ये आ जाएगा आपका पी माइनस 1D क्यू माइनस 1D बराबर 1/Q माइनस 1/P। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ जी, तो इन दोनों में से डी कॉमन आ जाएगा बच्चों, डी कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? पी माइनस 1, और ये माइनस इसको कर देगा माइनस का क्यू और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो बनेगा पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है जी, हाँ जी, 1 से 1 कट गया, डी पी माइनस क्यू बराबर पी माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू। हाँ जी, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, बच गया 1, तो डी बराबर आ गया 1/ में पी क्यू। डी बराबर क्या आ गया? 1/ में पी क्यू। अब क्या करेंगे? पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में डी पुट कर दो बच्चों, ए प्लस में पी माइनस 1D बराबर 1/Q, फर्स्ट में क्या सेकंड में भी रख सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस में पी माइनस 1D की वैल्यू 1/PQ, पी अपॉन में पी क्यू माइनस 1/ में पी क्यू, पी से पी कट गया 1/Q माइनस पी क्यू बराबर 1/Q, सबको उठा के उस तरफ ले जाओ, 1/Q माइनस 1/Q प्लस 1/PQ, भाई इससे ये कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1/PQ। लो जी, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। नाउ
अब क्या करना हमें, नाउ अब हमें क्या करना है कि एपी के, अब हमें क्या करना है कि एपी के कुछ एपी के टर्म प्रूफ करना है कि जो सम ऑफ पी क्यू टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म है वो किसके बराबर प्रूफ करना है बच्चों, वो प्रूफ करना हमें 1/2 पी क्यू प्लस में 1। ठीक है भाई, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। हाँ जी, तो एस पी क्यू बराबर, हाँ जी, अब देखो अगर मैं बात करूं एस एन की फॉर्मूले की, तो एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। सही बात है, ये होता है फॉर्मूला फर्स्ट एन टर्म्स का, लेकिन मुझे सम किसका निकालना है, फर्स्ट पी क्यू टर्म का, यानी एन की जगह पे जहां है, जहां जहां एन है वहां पे क्या रख दो, पी क्यू, जहां जहां एन है वहां पे क्या रख दो, पी क्यू, और ए की वैल्यू 1/PQ प्लस एन की जगह पे क्या रखेंगे, पी क्यू, और डी की जगह पे क्या, 1/PQ। क्यों? क्योंकि ये हमारी ए और डी की वैल्यू है। बस ठीक है जी, खत्म करो फिर। पी क्यू अपॉन टू, टू अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करो, पी क्यू माइनस 1/PQ। हाँ जी, पी क्यू अपॉन टू, हाँ भाई 2 बार पी क्यू में से 1 बार पी क्यू गया, 1 बार पी क्यू प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू। हाँ जी, और हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा है, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, पी क्यू से पी क्यू कट गया, बचा क्या भाई, बचा हमारा 1/2 पी क्यू प्लस में 1, ये हमारा आंसर है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, करो करो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है अब 6th। क्या क्वेश्चन नंबर 6th, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द लास्ट टर्म। कह रहा है कि एपी दिया हुआ है जिसका सम दिया हुआ हमें 116, फाइंड द लास्ट टर्म। चलिए बच्चों देखेंगे जरा, हाँ जी, द गिवन एपी इज, एपी बच्चों हमें गिवन है 25, 22, 19, ये हमें गिवन है, और कह रहा है इसका सम हमें 116 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये 25 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो भाई a2 - a1 22 - 25 - 3, ये d आ गया। नाउ अब क्या है, फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, अब हमें सम निकालना है। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स हमें दे रखा है 116, और फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 116। एन पता नहीं, ए पता है 25, डी पता है -3 बराबर 116। एन अपॉन टू, भैया अपॉन का 2 है उधर भेज दो, डिवाइड, ये हो जाएगा 25 दूनी 50,
ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 3n, ये अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 3, और ये 116 इंटू 2, ये हो जाएगा 50 और 3 53 माइनस 3n, और 116 दूनी होता 232, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 53n माइनस 3n स्क्वायर 232, उठा के वहाँ ले जाओ 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 233 20। ठीक है भाई, 3 का फैक्टर बना, ये फैक्टर बनाना है तो आपको पता ही है, आगे वाले को और लास्ट वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 232 3 कितना हो जाएगा 696, फैक्टर बना दो जी, फैक्टर बना दो, तो 2 से करेंगे 3, ठीक है 4, और ये 8, फिर 2 से करेंगे 1 7 4, फिर 2 से करेंगे 8 और 7, फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 2 और 9, फिर 29 से करेंगे। हाँ भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, 8 तिया कितना होता है बच्चे 24, 24 और 29, 24 और 29 कितने होंगे जल्दी बताओ भाई, 53 होंगे बिल्कुल, तो बस बात खत्म। तो बस 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 332 बराबर 0। भाई 3n कॉमन लोगे तो n माइनस में क्या आ जाएगा 8, यहां से 29 कॉमन लोगे n माइनस में क्या आ जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखो n माइनस 8 और 3n माइनस 29 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, माइनस 8 इधर आके हो जाएगा प्लस का 8, और यहां पर n की वैल्यू होगी 29 अपॉन 3, और एपी में n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आती, तो इसका मतलब कौन से टर्म पे सम 116 होगा, 8th टर्म पे। ठीक है चलो करो जरा। जल्दी नोट कर लो, इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th। चलो ये उतार लिया होगा। अब देखो हाँ जी, अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला आपसे, कह रहा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स हुज kth टर्म, द गिवन kth टर्म इज, हाँ भाई ए के kth टर्म दे रखा आपको 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, ठीक है तो ये दे रखा है, तो भाई सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, तो बस बात खत्म भाई। क्या भाई, यहाँ पे एक काम करो, लेट कर लो के बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से, तो पुट करो के बराबर 1 तो 1 5, के की जगह 1 प्लस 1 तो 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है ए 1 आ गया। नाउ पुट करो क्या, के बराबर 2 ए 2 5, 2 प्लस 1 10 प्लस 1 11, ये आ गया ए 2। अब नाउ कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन, 11 माइनस 6 कितना आ गया 5, ठीक है ये आ गया। अब आप आपसे बोला है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, तो बस एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन अपनी जगह पे एन ही रहेगा, टू ए कितना है, ए है आपका 6, एन एन ही रहेगा, डी कितना है आपका 5, बस सॉल्व कर दो, एन अपॉन टू 12, 5n माइनस 5, n अपॉन 2, 12 में 5 गए 7, बस बात खत्म, यही आंसर है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है कोई दिक्कत, करते रहो टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है जी नोट कर लिया होगा इसे। और क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में सीख रखे हैं अच्छे से, बस अभी इसी को ये समझ लो रिवाइज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो, कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज,
हाँ भाई, द गिवन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, हाँ भाई एपी के एन टर्म का सम दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो आपसे बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या निकालो कॉमन डिफरेंस, बस बहुत आसान है भाई। कॉमन डिफरेंस बड़े आराम से निकाला जा सकता है, कैसे, अगर मुझे टर्म पता हो। अब देखो एक बात याद रखना बच्चों, कोई भी टर्म निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप एस फाइव माइनस एस फोर करेंगे, आपको टेंथ टर्म निकालनी है तो आप एस टेन माइनस एस नाइन करेंगे। मतलब जो भी टर्म आपको निकालनी है उससे एक कम डी, उससे सॉरी उससे एक कम टर्म को, एक कम सम को माइनस कर दो। जैसे ए टेन है तो सम ऑफ टेन टर्म्स माइनस सम ऑफ नाइन टर्म्स, मतलब एक कम टर्म सम को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें ना हमें निकालना है भाई डी, डी तो तब निकलेगी ना जब टर्म निकलेगी। तो पहले टर्म निकालो ए एन, और ए एन कैसे निकलेगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो एस एन पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, यही है एस एन माइनस वन। मतलब क्या, सम यही रहेगा, सम यही रहेगा, बस फर्क क्या होगा कि एन की जगह पे एन माइनस वन आ जाएगा, सम यही रहेगा बस एन की जगह पे क्या आ जाएगा एन माइनस वन। तो ये आ गया पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर माइनस, हाँ जी पहले सॉल्व कर लो पी एन माइनस पी क्यू, अंदर सॉल्व करो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर माइनस पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है क्यू एन का स्क्वायर माइनस क्यू माइनस टू क्यू एन, ये आ गया ठीक है। सॉरी ये माइनस क्यों होगा, ये प्लस होगा ठीक है, पी एन ये क्यू एन का स्क्वायर क्यू ये माइनस का टू क्यू एन, ठीक है अब पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अब अंदर माइनस का पी एन प्लस का पी माइनस का क्यू एन स्क्वायर माइनस का क्यू प्लस का टू क्यू एन, अब जो कट रहा काटो जो नहीं कट रहा छोड़ो, पी एन से पी एन कटा क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कटा, तो बच क्या गया पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ये बचा ठीक है जी। ये क्या आ गया आपका ए एन। नाओ अब आपको क्या निकालना है डी, नाओ हाँ जी तो पहले पुट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री इस तरीके से, ठीक है तो पहले ए की जगह वन पुट करो पी माइनस क्यू माइनस टू क्यू, और ये एन की जगह वन तो पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू, और ये आंसर आ जाएगा पी और टू क्यू में से गया क्यू, तो ए वन की वैल्यू आई पी प्लस क्यू। अब क्या करोगे पुट एन इज इक्वल टू टू, पुट एन इज इक्वल टू टू तो ए टू पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू, एन की जगह पे टू तो ए टू पी माइनस क्यू प्लस दो दूनी चार क्यू, ए टू पी चार में से ये गया तीन क्यू, ये आ गया ए टू। नाउ अब क्या निकालना है डी, और डी क्या होता है बच्चों ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है पी प्लस में थ्री क्यू, ए वन कितना है पी प्लस क्यू, तो p प्लस में 3q क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो p से p कटा 3q से q गया 2q, तो बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया 2q आ गया, कितना आ गया 2q। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, यहीं तक की कहानी थी इस क्वेश्चन में, अब इसके आगे करते हैं चलिए नोट हो गया। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, टेंथ क्वेश्चन और देख लो, आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। क्या है क्वेश्चन बच्चों, इफ द सम ऑफ पीएथ टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यूएथ टर्म
देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भाई, कुछ भी है। ठीक है, एक एपी का पीएथ टर्म उसी एपी के क्यूएथ टर्म के बराबर है, एक एपी का पीएथ टर्म उसी एपी के किसके बराबर है, क्यूएथ टर्म के बराबर है, यही बोला है ना उसने। एक एपी का पीएथ टर्म उसी एपी के क्यूएथ टर्म के बराबर है, तो बताइए, यानी सम, उनका सम आपस में बराबर है, तो बताइए कि भाई इनका इनका फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं, लेकिन बताओ क्या इस पूरे एपी में कहीं भी आपको फर्स्ट टर्म दिया है? जी नहीं। कॉमन डिफरेंस? नहीं। तो बस लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी तो कितना है, डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट पीएथ टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यूएथ टर्म। ठीक है, यानी कि एस पी बराबर एस क्यू, एस पी का मतलब पी अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी बराबर, हाँ जी क्या है, क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, टू से टू कट गया, अंदर मल्टीप्लाई, टू ए पी प्लस पी पी माइनस वन डी, क्यों, क्योंकि ये पी इससे ही मल्टीप्लाई करेगा, इससे ही मल्टीप्लाई करे। फिर इस तरह यहाँ भी टू ए क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस वन डी, मतलब ये इससे ही मल्टीप्लाई करेगा, इससे ही मल्टीप्लाई करेगा। तो हाँ जी, टू ए पी प्लस अंदर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस वन डी, टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, सॉरी ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों को उठा के इधर ले आओ, टू ए पी पी स्क्वायर माइनस पी डी माइनस टू ए क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी बराबर जीरो। हाँ भाई, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, टू ए, अंदर क्या बचा, पी माइनस क्यू। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी, तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और बाहर क्या आया, डी बराबर जीरो। टू ए पी माइनस क्यू प्लस, हाँ जी पी स्क्वायर माइनस पी अंदर जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्यू डी बराबर जीरो। ठीक है, इस वाले माइनस ने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, टू ए पी माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एक साथ रखो, माइनस पी प्लस क्यू को एक साथ रखो, पी माइनस क्यू। क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है? जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसमें से माइनस कॉमन लो, इन दोनों में से जबरदस्ती माइनस कॉमन लो, तो जब आप जबरदस्ती बच्चों माइनस कॉमन लोगे, तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है कि जब भी हम माइनस जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है और प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है, कुछ ऐसा ही दिखेगा। अच्छा, अब टू ए पी माइनस क्यू प्लस, हाँ जी इन दोनों पार्टी में कॉमन क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, कॉमन निकाल लो पी माइनस क्यू, तो अंदर क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस इस पूरे की जगह वन, और ये डी बराबर जीरो। हाँ जी, तो अब देखो, अब इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, तो निकाल लो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टू ए प्लस क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, पी प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर जीरो, बराबर वन डी जीरो। ठीक है जी, अब ये पी माइनस क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, बोलो, मल्टीप्लाई, और वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर जीरो। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, देन द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज, हाँ जी पहला पी प्लस क्यू टर्म क्या करना है हमें, ये हमें प्रूफ करना है कि इसका सम क्या होगा। एक बात बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बनाते हो, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये बनाते हो, तो अगर सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म बनेगा तो उसका क्या बनेगा, पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, ऐसे ही बनेगा ना, मतलब जहां जहां एन है उसकी जगह पे पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो देखो टू ए, हाँ जी है,
पी प्लस क्यू हाँ जी है, माइनस वन हाँ जी है, डी है, ये हिस्सा तो है लेकिन ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों हिस्से को पी प्लस क्यू अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा पी प्लस क्यू अपॉन टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी, और जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो मल्टीप्लाई होकर हर चीज जीरो बन जाती है, और क्या ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अब किसकी तरह बन गया, एस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। तो इसका मतलब सम बच्चों फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का सम कितना आया बच्चों, जीरो आया है। फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म का आंसर कितना आया है, जीरो आया है। तो बस यही तक करना था, ठीक है, और यही क्वेश्चन था, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सारे कर लीजिए, आज की क्लास यहीं तक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों, चलिए बाय।